पत्नी की हत्या कर फरार हुए पति को थाना प्रभारी जय रघुवंशी ने किया 24 घंटे में गिरफ्तार। खबर बरगवा से है, जहां थाना के अंतर्गत गढ़ला गांव में घरेलू विवाद के चलते सन की पति महेश पटेलिया ने अपनी पत्नी दीपिका पटेलिया को रात के समय कुल्हाड़ी से सिर और गले पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था और मौके से फरार हो गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वैसे ही तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर छानबीन कर मृतका की पोस्टमार्टम करवाया गया और आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं थाना प्रभारी जय रघुवंशी के कार्यकाल का ये पहला हत्या का मामला था। आपको बता दें कि जिसे उन्होंने चुनौती के रूप में लिया और सघन तलाशी कर फरार चल रहे आरोपी महेश पटेलिया को कुल्हाड़ी सहित 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि आमजन में ये विश्वास हो सके कि कोई भी अपराधी पुलिस के शिकंजे से ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता। वहीं मृतक के परिजनों को भी तसल्ली मिली है कि उनकी बेटों का हत्यारा अब जेल जा चुका है। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, जो 302 का प्रकरण था उसमें आरोपी का क्या हुआ है? हाँ, जो 302 का प्रकरण था जिसमें आरोपी थे महेश पटेलिया, जो कि गढ़ला गांव का निवासी था, वो घटना के बाद से लगातार फरार बना हुआ था। इसी गिरफ्तारी के काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे, अपने मुखबिर सूचना तंत्र एक्टिव किया गया, फिर लगातार दबिश दी जा रही थी उसे जो भी संभावित स्थान थे जहाँ भी सूचना मिल रही थी। तो लेकिन परसों रात में मुखबिर ने बताया कि जो आरोपी है महेश, वो बरीदा वाले हनुमान मंदिर के पास जंगल में किसी टपरे में छुपा हुआ है। तो हम लोग मैं पुलिस के मौके पर जाकर घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ा और घटना में प्रयुक्त जो हथियार था कुल्हाड़ी, उसने जो कि भागते समय अपने सरसों के खेत में फेंक दिया था। तो आरोपी के बताने पर वो सरसों के खेत से कुल्हाड़ी बरामद कर ली और अपने उसने जो अपने कपड़े थे जो घटना के समय पहन रखे थे, जिस पर खून के छींटे लगे थे, वो कपड़े भी उसने खेत में फेंक दिए थे। तो वो कपड़े भी सरसों के खेत से बरामद कर लिए है। उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा।